तो हे गाइस, यू आर वेलकम ऑन द टेक जोन। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप जो गवर्नमेंट के द्वारा प्ले स्टोर पर एक ऐप प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है कोरोना कवच, तो उसका आपको मैं ओवरव्यू बताऊँगा, रिव्यू बताऊँगा कि वो किस टाइप का है। लेकिन अभी तक वो बीटा के अंदर है तो आप उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो चलिए हम उस ऐप की बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ले चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, ये देखते हैं हम उस ऐप के बारे में। अपन खोलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे आपको मैं फोकस कर लेता हूँ, ब्राइटनेस सही है, ठीक है। प्ले स्टोर पे हम सर्च करते हैं कोरोना कवच, आपको दिख रहा होगा, आपको इतना टाइप करना है। ये देखिए, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये एच है लास्ट के अंदर, कोरोना का बच्ची आपको टाइप करना है। और ये मैंने कर दिया सर्च, और तेरी इंटरनेट ऑफ है, इंटरनेट ऑन करते हैं। ये देखिए, आपको दिख जाएगा ये ऐप, 4.7 MB का ऐप है, अभी तक 5 लाख के लगभग डाउनलोड्स हो गए हैं। तो ये देखिए, ये 4.7 MB का ऐप है, ये इस टाइप का ऐप है, ये इसका लोगो है, और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा मीट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन के अंदर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी और आईटी जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, उनकी कोलैबोरेशन के अंदर ये ऐप बनाया गया है। तो ये ऐप की कुछ इंटरफेस यहाँ पर दिखाया गया है, आपको मोबाइल से लॉगिन करना होता है। हम इस ऐप के अंदर भी चलेंगे, पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ इसके बारे में क्या दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए, कोरोना से ब्रेकआउट करने के लिए ऐप है। अभी तक ये बीटा के अंदर, देखिए अभी तक 1.1 के बाद 1 अपडेट आया इसके अंदर, और ये कुछ इतना है। आपका नेसेसरी परमिशन भी है, आपकी GPS की लोकेशन, आपकी लोकेशन की, और आपकी जो फ़ोन की जो स्टेटस और आइडेंटिटी है, ताकि फ़ोन डिटेक्ट हो जाए कौन सा फ़ोन है, वगैरह वगैरह। ये कुछ परमिशन लेगा, उसके बाद हम ऐप के टाइम में बात करेंगे। इसको करता हूँ मैं डाउनलोड आपके लिए। तो गाइस, ये डाउनलोड हो गया, मैंने इसको डन कर दिया। ओके, अब हम इसका इंटरफेस जाके देखते हैं, ये आ गया यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ ओपन, ये देखिए, पास में जाता हूँ मैं, सारी डिटेल दी हुई है आपके फैमिली को सेफ वगैरह रखने के लिए। तो देखिए गाइस, अगले पेज पे ये दिया हुआ है, कम्युनिटी डिवाइस ट्रैक करेगा आपकी सारी, आपकी जो लोकेशन है उसके आसपास के अंदर जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड है या क्वारंटाइन के अंदर जिनके लिए जाना है उनके बारे में ये डिटेल देगा। आपके आसपास कोई इफेक्टेड लोग है तो आपको कहेगा कि आप उस एरिया के अंदर मत जाइए, अगर वहाँ पर सेफ है तो आपको कहेगा कि वहाँ पर जाइए। तो ये आपको वार्न कर देगा पहले से ही कि वहाँ पर कौन है, ये आपके डॉक्टर की गाइडलाइन की तरह देगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सारी डिटेल निकाल सकते हैं, एकदम ट्रू होगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी। जो ऐसे आपको व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस देखने को मिलते हैं वैसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ टाइम टू फाइट विथ टुगेदर, सभी घर पर रहिए भाई। परमिशन देता हूँ मैं इसको, दो तरह की परमिशन मांगी मेरे से, एक इसने OTP रीड करने की, मैं इसको पॉज करता हूँ। इसमें OTP नहीं आता जल्दी से, मेरे साथ पहले भी हो गया ये चीज़, फिर से ट्राई करके आता हूँ, एक सेकेंड। वोडाफोन के नंबर पे इसमें प्रॉब्लम आएगी ज़्यादा, तो बाकी ये लॉगिन हो जाता है। ये देखो, ये परमिशन मांग रहा है आपके ब्लूटूथ की, तो इसको परमिशन देता हूँ मैं, डन। इसने मेरे से सारी परमिशन रखी, डन। स्वाइप डाउन टू चेंज योर कोड इज़ ग्रीन, यानी कि अभी मेरे आसपास जो भी कुछ है सब कुछ सही है। और ये कुछ स्लो भी है ऐप बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये देखिए, आपके GPS की एनालिसिस लेगा और आपके आसपास जो भी इन्फेक्टेड होगा उसको कैच करेगा।
हमारे आसपास तो नहीं है अभी तक कोई भी केस, आपके आसपास है तो आप इसे चेक कर सकते हो। मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है उसको टेस्ट करके आपको सारा कुछ बता देगा। जैसे इनहेल करने के लिए 1 नंबर पे आप इनहेल कीजिए, कितनी देर कर सकते हो, जितनी देर आपने होल्ड कर लिया उतनी देर यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब उसको छोड़ दीजिए जितनी आपने सांस ली थी, उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर से होल्ड कीजिए, कितनी देर आप नहीं ले सकते सांस को, इसको कर दीजिए स्टॉप, फिर से कीजिए। यह आपकी हैबिट को बता देगा आप कितनी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वारंटाइन की जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सबमिट कीजिए और यहाँ पे नीचे जाके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आपकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी और वो आपको ट्रैक कर सकेगी इजीली, अगर आप इन्फेक्टेड होते हो या कुछ भी। तो मैं इसको बैक करता हूँ। ये देखिए, इसने यहाँ पे नीचे काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का है, लेकिन ये शायद मेरी ट्रैकिंग कर रहा है कि मेरे आसपास कोई है नहीं इन्फेक्टेड। तो ये कुछ इस टाइप का है, ऐप बहुत स्लो है अभी तक, बीटा के अंदर है। जैसे ही स्टेबल आएगा अपडेट, वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक वीडियो बना के, जब इसके अंदर कुछ और ऐड होगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। डू ए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज पॉसिबल एज। गुड बाय, सी यू, टेक इन द नेक्स्ट वीडियो।